नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। मैं आलोक शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूँ। अभी देखा जाए तो चुनाव के जस्ट बाद सारे आयोग, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड हो, चाहे वो अधीनस्थ हो, एक स्पीड पकड़ लिए हैं। और जाहिर सी बात है, बहुत महीनों से चीज़ें पेंडिंग पड़ी हुई थी, उसे जल्दी से निकालना भी है। हालांकि आज का जो विषय है वह थोड़ा हटके है, लेकिन आपके लिए एक खुशखबरी भी है और आपके लिए एक पॉजिटिव होप भी है। आप सभी लोग ये देख रहे होंगे कि एक नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नहीं बोलेंगे इसे, एक प्रपत्र बोलेंगे, है ना, एक सर्कुलर टाइप में है। और ये विभागीय या पत्र भी बोल सकते हो, मार्च 10, 2022 से सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चल भी रहा है, हमारे पास भी आया है कहीं इंटरनल सोर्स से ही। तो इसमें हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, और जो ये विषय है, सरकारी सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग, मतलब कि जबरन रिटायरमेंट आप बोल सकते हो 50 साल या 50 साल के ऊपर उम्र वालों के लिए। हालांकि मैं आपको यहाँ पे बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन हैं बच्चों के बीच में, जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। पहली बात तो ये जो 50 साल के जबरन वाला रिटायरमेंट की बात किया जा रहा है, ये समूह ग और समूह घा के लिए किया जा रहा है। और दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि 50 साल के ऊपर जितने लोग हैं सभी लोग ही बाहर हो जाएंगे, नहीं, उनका एक स्क्रीनिंग कराया जाना है। और ये वही बोल रहा है कि उसी के संबंध में है ना, हेतु तो स्क्रीनिंग के संबंध में ही ये पत्र जो है चल रहा है। और इसे अभी देखा जाए तो 10 मार्च आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 10 मार्च का ये पत्र है, और इसे ये बोला भी गया है कि 20 मार्च तक इस पे जो कार्यवाही करनी है वो कार्यवाही कर दी जाए। कार्यवाही क्या करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आप इसे देख सकते हो कि जो जो भी विभाग हैं, जनपद हैं और इकाई का नाम है, इनमें से 50 वर्ष या 50 वर्ष के ऊपर वाले जो समूह ग और समूह घा के है ना इम्प्लॉयज हैं, उनका क्या कराया जाएगा, एक स्क्रीनिंग कमेटी के सामने उन्हें लाया जाएगा और एक स्क्रीनिंग कराया जाएगा कि भाई आप इफिशियंट हो कि नहीं हो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के चलते सर्विस रेगुलर नहीं रख पाते हैं, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सप्ताह के, अगर देखा जाए 6 दिन के अगर उनकी जॉब है तो 4 दिन वो केवल अस्पताल का ही चक्कर लगाते रहते हैं, या बहुत सारी 50 साल की उम्र में बीमारियां है ना, जैसे शुगर हो गया या और भी बहुत सारे बीमारियां हो गई, जिनके चलते क्या होता है कि कहीं ना कहीं एफिशिएंसी डाउन होती है। और एक ऐसा विभाग जहां पे एक जनसेवा ही है ना, पुलिस विभाग की बात करें वहां पे दक्षता बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, फिजिकल फिटनेस जरूरी होती ही है, साथ साथ मेंटली फिटनेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो एक बात आप इसे गलत मत समझिएगा कि ये केवल फिजिकली फिटनेस के बारे में है, बिल्कुल नहीं, ये आपके हेल्थ इशूज, मेंटल फिटनेस और आपका फिजिकल फिटनेस सभी के बारे में समग्र रूप से बताया गया है। और ऐसे कोई कर्मचारी जो 50 साल या 50 साल के ऊपर हो गए हैं जो दक्ष नहीं है, तो उनकी चलते कहीं ना कहीं विभाग को नुकसान उठाना पड़ रहा है, या बोल सकते हो वो अनुशासन नहीं आ पा रहा है, या बोल सकते हो कि उस विभाग की वो दक्षता नहीं हो पा रही है। तो एक दक्षता को मेंटेन करने के लिए, एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए सरकार द्वारा ये एक उठाया गया कदम है। मेरी राय अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये ठीक भी है। जो व्यक्ति परेशान है वो, अगर उसका रिटायरमेंट होता है, और दूसरी बात ये है, दिमाग में ये मत लाइएगा कि इन्हें पेंशन नहीं मिलेगी, जो 50 साल या 50 साल के ऊपर हो गए हैं, बहुत स्वाभाविक रूप से अगर देखा जाए तो इनकी जो ज्वाइनिंग है वो वर्ष 2004 से पहले ही हो गई होगी, तो 2004 से पहले वाले जितने भी कर्मचारी हैं उनके पेंशन पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये तो इन्हें तो पेंशन मिलेगी मिलेगी, लेकिन आगे जो लोग नियुक्त तो होंगे उनके साथ भी ऐसा होगा, तो उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं, आप अपने आप को फिट रखो, बाकी ईश्वर आपको स्वस्थ ही रखे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो जानबूझ के, स्वास्थ्य भी ठीक है, मेंटली भी ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं एक कामचोरी नाम की भी चीज होती है, या कहीं ना कहीं अपने पारिवारिक जीवन या अपनी जिम्मेदारियों से हटके भी वो कहीं ना कहीं विभाग में ज़्यादा से ज़्यादा छुट्टी लगाए रहते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा अनुशासन से काम नहीं करते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं जो वो होता है वो पहली बात तो विभाग झेलता है, या दूसरी बात उसका जो सीधा प्रभाव पड़ता है वो युवाओं पे पड़ता है, या उन पे पड़ता है जो उस पद के लिए कहीं ना कहीं ज़्यादा एफिशिएंट है और एक राह देख रहे हैं कि अगर इस विभाग में वैकेंसी होती तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैकेंसी आती तो हम सेलेक्ट होते और हमारी जॉब लगती। तो आप ऐसे कंपेयर करो कि आप हो, या आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो,
और आप बहुत ज़्यादा दक्ष हो, आप बहुत अच्छा विभाग में अपना रोल प्ले कर सकते हो, लेकिन एक 50 साल के ऊपर का व्यक्ति जो शायद आलसी हो चुका है, या शायद अनुशासन उतना अच्छा नहीं है, या किसी कारण उसकी दक्षता नहीं है, तो दोनों में क्या ज़्यादा बेहतर आप ऐसे समझो। तो अगर यह सरकार के द्वारा एक कदम है, तो मेरे हिसाब से युवाओं के लिए बहुत अच्छा कदम है, आपको ज़्यादा अवसर मिलेंगे, है ना, और अच्छा करने के लिए प्रेरणा भी मिलेगी कहीं ना कहीं अगर इससे देखा जाए तो। तो इससे होगा क्या अगर डायरेक्टली देखा जाए 31 मार्च 2021 को तक इसको फाइनल कर देना है। मैं आपको बता दूं ये चल रहा है 26 अक्टूबर से ही, और 31 मार्च 2021 का भी हुआ था, बाद में इसे ये था कि अभी लास्ट में 20-3-2022 तक इसे लास्ट दे ही देना है कि जो भी है। और देना क्या है ये भी मैं बता दूं कि 50 वर्ष की आयु प्राप्त कार्मिकों की कुल संख्या कितनी है, यहाँ पे मान चलो नंबर N1 है, और स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष विचारार्थ रखे गए कार्मिकों की कुल संख्या कितनी है, मतलब अगर N1 है तो इनमें से कितने ऐसे लोग हैं जो वाकई में दक्ष नहीं है, उनकी लिस्ट जारी होगी, और उसके बाद फिर कार्मिकों की कुल संख्या जो स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति के योग्य समझे जाएंगे, मतलब उनमें से अब किसको निकाला जाएगा, ये पूरी रिपोर्ट आएगी, और उसके में से किसको करना है रिटायरमेंट, किसे देना है और किसे, ये VRS से थोड़ा हटके है उसे बात समझिएगा, किसे देना है किसे नहीं देना है, और वो जो लिस्ट बनेगी तो ऊपर से कि कितने लोगों को रिटायरमेंट दिया गया है उसकी लिस्ट फाइनल, यहाँ पे मान को N फाइनल हो जाएगी। तो अल्टीमेटली जितना यहाँ से लोग निकलेंगे नीचे लेवल पे उतनी ही वैकेंसीज खाली होंगी, और उन्हें भरने के लिए कहीं ना कहीं सरकार नए जो रोजगार हैं उनके जो अपॉर्चुनिटी है वो उसके सामने आएगी, और नई विज्ञप्ति भी आपके सामने आ सकती है, नई अधिसूचना भी आ सकती है। तो अधियाचन भी इससे ज़्यादा होंगे आपके लिए, युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी है ये कहीं ना कहीं, इसे एक पॉजिटिव वे में लीजिए। दूसरी बात मैं आपको और बता दूं कि UPSI का रिजल्ट हो सकता है आज या हो सकता है कल में आ जाए, और UPSI ASI का आने वाले सप्ताह में, मतलब कि जो अपकमिंग वीक है, आज तो सैटरडे है, बीच में संडे है, संडे को कुछ नहीं आ पाएगा, बट अगले वीक में आपका UPASI का भी रिजल्ट आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है SI ASI का दोनों साथ ही आ जाए, जो बात चल रही है मैं बस जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है मैं इतना बता रहा हूँ, और ये भी समझिएगा मैं आयोग नहीं हूँ, ये बिल्कुल मत मान लीजिएगा कि मैं कह रहा हूँ तो 100% यही होगा, मैं 99% 98% संभावना बताता हूँ, 1% 2% मुझे भी नहीं पता होता है कि आयोग का क्या मूड बदल जाए, वहाँ पर बैठे DG साहब का, वहाँ पर बैठे ARO साहब का जो उसको समीक्षा कर रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, उनका क्या मूड बदल जाए, उनको कौन सी परेशानी आ जाए, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हो सकता हूँ, ये बात समझिएगा। लेकिन जहां तक मेरी खबर होती है, आप सभी जानते हो, आप इसलिए विश्वास भी करते हो कि मैं तभी आता हूं सामने जब आपको मेरे पास सटीक जानकारी होती है, और वही सटीक जानकारी आपके देने के लिए आता हूं। तो ये भी इसका भी एक स्वागत करिए, आपके लिए एक खुशी का समय है, आने वाले सालों में आपके लिए पुलिस भर्ती बोर्ड से बहुत ज्यादा वैकेंसीज निकलेगी। एक अभी हालांकि एक गलती, वो तो मैं उसे बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं करूंगा, इसमें प्रोफेसर वगैरह के लिए OBC का जो है उसको हटाने की बात कर रहे हैं, है ना, तो उसको तो मैं उस पर ज़्यादा चर्चा ही नहीं करूँगा, वो एक अलग विषय हो जाएगा, बट पुलिस भर्ती बोर्ड की जो बात है वो आपके लिए एक कहीं ना कहीं स्वर्णिम अवसर लेके आ सकती है। चलिए फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। यदि आपका कोई क्वेरी हो, कोई कमेंट, तो किसी भी इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे पूछिए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पता चलने वाली है, और बहुत जेन्युइन तरीके से पता चलने वाली है। उम्मीद है आप अपनी तैयारी भी जारी रखोगे। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।